विजेंद्र पांडे मेरा नाम है। मैं पंडोली गांव का रहने वाला हूं। ये अत्रैट और अत्रौलिया मार्ग पे रोड के एक साइड में इतना झाड़ हो गया है कि इसे आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है। कहीं से कोई आता है ऊपर से इधर से रोड पे चढ़ता है तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो है रात में आने जाने में कीड़ा बिच्छी भी दिखाई देते हैं। इसके लिए यहाँ हाँ दिक्कत होती है। बड़ी गाड़ी भी आता है तो साइड में लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो कच्चा पटरी है वो पटरी पे आदमी जा नहीं सकता है। इसके वजह से झाड़ी को कटवावे जाए और रोड साफ रहेगा तो आदमी एक्सीडेंट नहीं होगा। रोड के साइड में एकदम सब झाड़ है, कचरा है। हमारे नज़दीक में मंगितपुरी स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को भी आने जाने में भी दिक्कत होता है और लीलगाह भी इधर उधर से आते जाते हैं तो बच्चे लोग भी परेशान होते हैं। और बच्चे लोग को जब रोड पे छुट्टी होता है तो चढ़ते हैं तो कोई भी गाड़ी आ जाता है, एक्सीडेंट इसके वजह से होता है, झाड़ियों के वजह से। रोड का साफ सफाई नहीं हो रहा है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। मेरा नाम लालचंद यादव है, ग्राम नंदना का निवासी हूँ। समस्या यह है, अतरौलिया से अतरैट मार्ग पर इतनी झाड़ी झनखारी है, यहाँ आना जाना दुर्लभ हो गया है और बच्चे आते जाते रहने को बहुत परेशानियाँ होती हैं और यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है। इतनी झाड़ियाँ हैं कि जब पशु पक्षी गुजरते हैं, एक बैग आ जाए कोई मालूम नहीं पड़ता है, गिर के चोटी भी होता है, अक्सर एक्सीडेंट हुआ करता है यहाँ पर। संतोष उपाध्याय, मैनुद्दीनपुर। समस्या ये है कि सड़क पे जो है झाड़ियों से घिरा हुआ है, दो चक्का चार चक्का जाती है तो मतलब वाहन आने पर झाड़ी से घिरा हुआ है पटरी और इस पर जो खतरा हो जाती है। मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था यहाँ सरैया गांव के पास और चार चक्का गाड़ी आई और उसके बाद जो क्रॉसिंग के लिए जगह नहीं बची, एक ट्रक था और उस पर जो है मेरा एक्सीडेंट स्वयं हो गया था। यहाँ सर पे चोट लगी हुई है और इसका कोई ध्यान नहीं है, झाड़ी से एकदम पटरी तक गायब है, एकदम पूरा पीछ तक झाड़ियाँ लटकी हुई हैं और इससे बच्चों के लिए भी दुर्घटना हो सकती है, हो भी जाती है। कितना एक्सीडेंट इधर हुआ है इसका कोई मतलब ध्यान ही नहीं है सरकार की तरफ से।